क्वारसेप स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में अभी हमने देखा डबल लेग स्क्वाट्स के साथ में एक्सरसाइजेस को आप फर्दर प्रोग्रेशन में सिंगल लेग स्क्वाड्स परफॉर्म करेंगे सिंगल लेग स्क्वाड्स सिर्फ क्वार्स के लिए नहीं कर रहे हैं हम इट इज अ कम्बाइंड एक्सरसाइज जो आपके कोर को पेल्विस को हिप मसल्स को सभी को इन्वॉल्व करती है और थाई की भी लगभग सभी मसल्स को इन्वॉल्व करती है स्पेशली हिप एबडक्टर्स को की स्ट्रेंथनिंग को भी चेक करती है बट इट इज अ रियली गुड एक्सरसाइज फॉर योर क्वार्ड्स एज वेल तो हम कैसे बिगिन करेंगे सिंगल लेग स्क्वायड से आप बिगिन करेंगे सिंपली दीपा फॉर्म लीजिए एक पैर आप ऊपर उठा लेंगे ये आप चाहे तो स्ट्रेट रख सकते हैं सामने चाहे आप पीछे फोल्ड कर सकते हैं जैसे आपने अभी रखा हुआ था और अब आप जो स्टैंडिंग लेग है स्टैंड लेग है उस पर आप स्क्वाट करेंगे अगेन हमें जो ध्यान रखना है बॉडी की पोजिशन स्ट्रेट संभली हुई स्ट्रेट होनी चाहिए जैसे आपको कंफर्टेबल अपोजिट लेग आप वैसा रखेंगे uh, आपका जो स्क्वेटिंग लेग है वो स्ट्रेट सामने आना चाहिए और अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं होना चाहिए एक बार पीछे की पोजिशन में लेके कर लें दीपो से ये वाले पैर को पीछे ले लीजिए आप कीजिए इसमें आपका लेग ऐसे अंदर की तरफ कर लो होकर नहीं आना चाहिए स्ट्रेट सामने आना चाहिए टो तो से आगे आपके नी को आपको नहीं निकलने देना है इससे आपके नी पर अननेसेसरी स्ट्रेंथ नहीं आ, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और क्वार स्ट्रेंथनिंग होगी तो आ, ये आपका सिंगल लेग स्क्वेट्स परफॉर्म किया गया सिंगल लेग विद बॉल ऑन द वॉल आप आ, आपका एक्सरसाइजिंग बॉल को वॉल पर ऐसे रख लेंगे एंड अपने बैक और उसके बीच में फसा लेंगे फिर आप एक लेग को अपना स्टैंड जिसको भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस साइड की मसल्स uh, के लिए उसको आप अपना स्टैंड लेग यानी कि जमीन पर रखा हुआ लेग रखेंगे और दूसरे लेग को आप ऐसे हवा में लिफ्ट करेंगे सामने की ओर उठाते हुए और अब आप धीरे धीरे स्क्वाड पोजिशन को बनाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको डबल चीजें ध्यान देनी है आपको अपने बॉल को सपोर्ट भी करते जाना और धीरे धीरे अपना स्क्वास भी बनाना है फ्यू सेकेंड मेंटेनेंस फाइव सेकेंड मेंटेनेंस फिर आप स्ट्रेट पोजिशन एक्वायर करेंगे अगेन वही ध्यान रखना है बॉडी आपकी फॉरवर्ड लीनिंग नहीं होनी चाहिए इसमें तो पॉसिबल uh, नहीं है दूसरा आपका नी अंदर की तरफ कर्ल इन नहीं होना चाहिए थर्ड आपका जो नी है वो स्कवाटिंग पोजिशन में आपकी टो से आगे निकल कर नहीं आना चाहिए सिंगल लेग स्क्वाट्स के सीरीज़ में फर्दर प्रोग्रेशन के लिए आप सिंगल लेग स्क्वाट्स ऑन द स्टेयर्स को परफॉर्म करेंगे पहले आप फॉरवर्ड स्क्वाट करेंगे फॉरवर्ड पोजीशन में आपका जो स्क्वेटिंग लिम है वो ऊपर है यानी स्टैंड लिम है और दूसरा वाला आपने स्टेयर से बाहर निकाला हुआ है स्टेयर से बाहर निकाला हुआ है आप एक फिंगर या थोड़ी सी मदद जस्ट ले सकते हैं बैलेंस के लिए किसी भी आर्टिकल से सपोर्ट के लिए और अब आप स्क्वेटिंग पोजीशन बनाएंगे अपने इस वाले नी को ध्यान में रखते हुए बॉडी स्ट्रेट नी आपका फॉरवर्ड आएगा अगेन अंदर की ओर कर्ल इन नहीं होगा और जो स्क्वेटिंग लिम है वो आपके टो से ज्यादा आपको आगे नहीं निकालना चाहिए मेंटेन दिस पोजिशन फॉर फाइव सेकेंड्स और सो और फिर आप स्ट्रेटन होके ऊपर जाएंगे अगेन ये एक्सरसाइज आप रिपीट करेंगे से अबाउट फाइव टू टेन टाइम्स जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे धीरे धीरे प्रोग्रेशन के साथ आपको बढ़ाते जानिए अपनी फ्रीक्वेंसी होल्ड ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी इसके बाद आप सेकेंड स्क्वाट पोजीशन लेंगे साइड स्क्वाट्स जिसमें आपका जो स्क्वेटिंग लिम्ब है अगेन वो स्टैंड लिम्ब होगा स्टेयर के ऊपर और जो आपका दूसरा लिम्ब है जिससे आप नीचे जाएंगे वो अदर लिब इज देर बनाए धीरे से आप नीचे जाएंगे ये आपका अंदर वाला लिम्ब आपका स्क्वेटिंग लिम है जिसमें आप सेम पोजिशंस को ध्यान रखेंगे रिपीट करेंगे कुछ सेकेंड्स के होल्ड के बाद अगेन रिपीट फाइव टू टेन स्क्वेड्स आप सेम रिपीट करेंगे और टू टू थ्री सेट्स आप इसके परफॉर्म करेंगे